की जय। हे प्रभु एक तो ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तो ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। काम आदि के मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। काम आदि के मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। वासना वायु झोंके हिला रे, वासना वायु झोंके हिला रे। मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बांस बल्ली न पतवार ही है, घाट अघट बही जा रही है। बांस बल्ली न पतवार ही है, घाट अघट बही जा रही है। हो कि मल्लाह कर दो सहारे, हो कि मल्लाह कर दो सहारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना तो है और कोई हमारे, ना तो है और कोई हमारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। कर दो हे नाथ भव दुख से नारे, कर दो हे नाथ भव दुख से नारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। नाथ मैं आफतों का हूँ मारा, नाथ मैं आफतों का हूँ मारा। धर्म तेरा है करना सहारा, नाथ मैं आफतों का हूँ मारा। धर्म तेरा है करना सहारा। हो कि अभिलाष निर्मद पुकारे, हो कि अभिलाष निर्मद पुकारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे,
मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संतन की जय, भक्त समाज की जय। सत्संग की शुरुआत हमने की गुरुवाणी से, पाठ से। तत्पश्चात मैं पूज्यवर गुरुदेव जी की ये प्रार्थना प्रस्तुत किया, हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी क्या, हर प्राणी, हर जीव सुख चाहता है, दुख कोई चाहता नहीं है। सही काम करता है, पुण्य का काम करता है, धर्म परमार्थ काम जो करता है, उसका भी उद्देश्य होता है मैं सुखी हूं, सुख शांति को प्राप्त करूं। और जो गलत मार्ग अपनाता है, जिसकी दिशा गलत होती है, उसका भी वही उद्देश्य होता है कि ये सब मैं करके मैं सुखी हो जाऊं, शांति को प्राप्त करूं। जो चोरी करता है, चोर है, क्या उद्देश्य है, चोरी करता है, चोरी करने का उद्देश्य क्या है, चोरी करके हम धनवान होंगे, धन हमको प्राप्त होगा, हम भी सुखी हो जाएंगे। तो जो गलत मार्ग जो अपनाता है, उसका भी वही उद्देश्य है, सुख शांति को प्राप्त करना। और जो सही मार्ग में चलता है, परमार्थ के पथ पर चलता है, उनका उद्देश्य तो होता ही है सुख और शांति को प्राप्त करना। लेकिन दोनों के परिणाम में अंतर है। जो सही काम करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, और जो असत्य के मार्ग पर चलता है, दोनों के मार्ग में चलने का जो परिणाम आता है वो बहुत अंतर हो जाता है। इस बात को हम सबको समझना चाहिए। तो शुरुआत मैंने कहा कि हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन मात्र सुख चाहने से तो सुख मिलेगा नहीं। सामान्य रूप से हम व्यवहार का काम करते हैं, भौतिक काम करते हैं, है ना, जीवन यापन के लिए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, काम करते हैं, वो केवल सुखी हो जाऊंगा, धन प्राप्त हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा हम सोचेंगे, इच्छा रखेंगे, तो धन तो प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए क्या कहते हैं, जब से हम कुछ करने योग्य हो जाते हैं तो तब से हम धन कमाना शुरू करते हैं, और कुछ हमारी जो योग्यता होती है, जो हमारी दक्षता होती है, उसके अनुसार हम कार्य करने लगते हैं। उसके लिए तो बहुत ध्यान देते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं। वो किस लिए, कहां तक सीमित है, केवल अपने शरीर और परिवार तक, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, धन कमाने का उद्देश्य है अपने शरीर की रक्षा करना, रहने बसने की व्यवस्था करना, और परिवार का भी पालन पोषण करना, उतना ही उद्देश्य है। तो वो तो परिवार और हमारे शरीर की रक्षा हुई, लेकिन जो सुख हम चाह रहे हैं, असली सुख चाह रहे हैं, उसमें कहाँ होता है, सुख तो होता है, परिवार है, और जो भी धन कमाते हैं प्राप्त हो जाता है, जो भी हम सोचे रहते हैं उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो हमको तो शांति और सुख तो लगता है, लेकिन वो कितने समय के लिए लगता है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। आदमी जब मकान का निर्माण करता है, घर का निर्माण करता है, बन जाता है, तो कब से लगा रहता है, कितना पुरुषार्थ करता है, पहले जिसके पास जमीन नहीं होती है वो जमीन खरीदता है, रजिस्ट्री कराता है, फिर धीरे धीरे उसके पास जितने धन आता जाता है, रुपया पैसा आता जाता है, उसी के अनुसार अनुरूप वो अपना मकान तैयार करता है। तैयार हो गए, रंग सब तैयार हो गया, तो उसको लगता है अब मेरा घर तैयार हो गया, सुख हो गया। तो वो सुख जो मानते रहते हैं, कितने दिन के लिए मानते हैं,
कुछ दिनों के लिए रहते हैं, हाँ भाई मन हो गया, फिर धीरे धीरे वो सुख मिटने लगता है। उसके लिए हमने जी तोड़ कर परिश्रम किया और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, जो सुख और शांति वो स्थिर बना रहा है, जिसको कहते हैं शाश्वत, सदा के लिए बना रहा है, वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा भजन से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, स्वाध्याय से मिलेगा, आत्मचिंतन से मिलेगा। और उसके लिए हमारे पास कितना समय है, कितना समय देते हैं हम, कितना समय निकालते हैं अपने लिए, परिवार के लिए और शरीर के खान पान जीवन रक्षा के लिए, हम तो पूरा दिन भर 2400 घंटे उसको सौंप देते हैं, लेकिन उसके लिए कितना समय निकालते हैं, बहुत कम बिरले लोग ही लोग हैं जो अपने लिए स्वयं के लिए और किसी के लिए नहीं, प्राइवेट सेपरेट जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत कम लोग इस बात को जो समझते हैं वही लोग निकाल पाते हैं, नहीं तो पूरे संसार में पूरे सब लोग तो वही खा पी रहे हैं, अब भोग रहे हैं बस। मेरे कहने का मतलब है हम मन के लिए कितना काम करते हैं, तो जो मन के लिए जो काम करता है, मन के लिए जो समय देता है, वही शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, मन को समझने का प्रयास करता है, मन के जो विकार है, दोष दुर्गुण हो, उसको समझ करके त्यागता है, वही शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, आत्म शांति की ओर आगे बढ़ता है। तो सुख तो सब चाहते हैं, तो सुख केवल चाहने से नहीं होगा, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन कमाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, मकान बनाने उसके लिए कितना परिश्रम करते हैं, किसी को पढ़ाई करनी है, नौकरी पानी है, तो शुरू से लेकर जब तक पांचवी क्लास, ये पांच उसका उम्र जब पांच वर्ष की होती तब से उसकी पढ़ाई चालू हो जाती है, तो इतने वर्षों तक पढ़ते रहते हैं, जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक पढ़ते रहते हैं, 25 साल 30 साल तक पढ़ाई जारी रहती है, कितना मेहनत करते हैं, किस लिए, केवल जीवन यापन के लिए, कुछ किसी के जॉब लग जाए, धन धन आए, उसका उद्देश्य क्या है, केवल धन कमाना, अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना, और दूसरे उद्देश्य है, उससे भी सुख तो मिलता है, ऐसा नहीं सुख नहीं मिलता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। हम कह रहे हैं शाश्वत युग जो सदा के लिए स्थिर बना रहा है, वो समझ से आती है, सुलझे हुए मन में आती है, और हमारा मन तो उलझा रहता है, हर समय उलझा रहता है, तो फिर वो सुख कैसे हम अनुभव करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसके लिए यही साधन है, गुरु संतों से लगना और उसके बताए हुए रास्ते के अनुसार चलना। लेकिन धार्मिक जगत में ऐसा भी नहीं होता है, कितना भटकाव है, बस जो भी गुरु है उसके पास चले जाओ, उनसे आशीर्वाद ले लो, बंदगी कर लो, और बस हाँ आपका कल्याण है, कह दिया भाई, कल्याण तो होगा, कल्याण तभी होगा जब उस जो बताए हैं उसके अनुसार चलना, अपने जीवन को सुधार करना, केवल आशीर्वाद के बल पर हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये भ्रम है, नहीं होने वाला है। और आज अधिकतम लोग इसी फेर में पड़े रहते हैं, हम पूजा पाठ कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, अमुक जगह जाकर के दान धर्म कर लेंगे, अमुक नदी में जाकर के स्नान कर लेंगे तो हमारी मुक्ति है, सारे पाप धुल जाएंगे। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं, ये भ्रम में मत पड़े रहो, करिए, ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज है वो करिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसी मात्रा से उसी को सोच करके हमारी मुक्ति हो जाए, ये बात बनने वाली नहीं है। साहब कहते हैं कि धन कमाने के लिए तो हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए किसी दूसरे की आशा नहीं करते हैं, हम अपना स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए वो नहीं करते हैं, वही भरोसा कर लेते हैं, गुरु महाराज पर डाल दे, हाँ गुरु महाराज बस एक आशीर्वाद दे दिए, हमारा कल्याण हो गया। और ऐसे लोग भटकाने वाले भी हैं, हाँ बिना मेहनत के उतनी बड़ी चीज मिल जाए, जिसको कल्याण कहते हैं, शांति कहते हैं, सुख मिल जाए, तो कौन मेहनत करे भाई, सबसे ज्यादा मेहनत तो यही है ना, लोग 2400 घंटे काम कर लेंगे,
उसको कोई ऐतराज नहीं होता है, दुख नहीं होता है। लेकिन किसी को भाई आपको कुछ करना नहीं है, भाई चुपचाप बैठे रहो और बस कुछ भजन साधन में लगे रहो, तो उसका मन नहीं लगेगा। हमारे संतजन एक उदाहरण बताते हैं, ये यही अयोध्या की बात कहते हैं कि कुछ मजदूर रोज काम करते थे, तो एक दिन उसके जो ठेकेदार है किसी कारण से मना कर दिए कि आज काम नहीं चलेगा, काम नहीं करना है, आप लोग घर लौट जाओ। तो वो मजदूर लोग 8-10 लोग रहे होंगे और उन वो लोग तो बहुत परेशान हुए, क्योंकि जितना मेहनत करते थे उतने में उसको जो भी मिलता था पैसा, उसी से वो अन्न खरीद करके अपने परिवार को पालन पोषण करते थे, जो भी करते रहे, और आय का साधन तो था नहीं। उस दिन उसको मजदूरी मिली नहीं, अब सब नाराज मायूस हुए, भैया तो हमको मजदूरी मिली नहीं, तो हमारे पास पैसा नहीं था, हम क्या खाएंगे क्या करेंगे। वही चर्चा करते करते बस वो आश्रम से होकर के गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो महंत थे, बड़े जो संत थे, उन्होंने उन लोगों की बात को सुना, तो सुना तो फिर कहा कि क्या बात है भैया, पूछा कि ऐसा ऐसा है महाराज, ऐसी ऐसी बात है, अच्छा तो कितना देते हैं मजदूरी, कितना रोज की कितनी मिलती है, तो 50 रुपये देते हैं महाराज। अच्छा अब क्या करें, आज मना कर दिए और फिर आज हमारा कैसे काम चलेगा, तो ऐसी बात है, ठीक है, जो देते हैं मजदूरी देते हैं, मैं उतना ही मजदूरी आप लोगों को भी दूंगा, ठीक है जितना देते हैं उतना देंगे, लेकिन आप लोग कितने घंटे काम करते हो वहाँ, तो महाराज 7-6 घंटे 7 घंटा करते हैं। अच्छा 7 घंटा भी आप लोग मुझे भी समय दो, मैं आप लोगों को जितनी मजदूरी वो देते थे उतने मैं भी दूंगा, आप लोग केवल एक काम करना है, ये मंदिर है मंदिर प्रांगण में आप लोग बैठ जाएं आराम से पालथी मार करके, और मैं जो बताता हूँ वो आप करते जाइए, आप लोग केवल यही कहना है राम 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 राम, बस जाप करना है बस। तो उस समय सुने लोग तो जाने नहीं था, प्रसन्न हो गया, अरे बस केवल राम राम तो कहना है और हमारी मजदूरी भी मिलेगी, ये सोच करके सब तैयार हो गए, और तैयार हो गए और महाराज जी उसके लिए व्यवस्था भी कर दिए बैठने बैठने की, और देखो आप लोगों को चाय भी मिलेगा समय से, अब भोजन की भी व्यवस्था होगी, लेकिन जो काम मैं दिया हूँ वो करना है आप लोगों को। तो तैयार हो गए सासू से, भाई बिना मेहनत के 50 रुपये हमको मिलने वाले हैं मजदूरी, चलो हो जाएगा, बैठ गए। तो आधा घंटा बीते, पालथी मोड़ करके बैठने की तो आदत है ही नहीं, तो दर्द होने लगे, सब इधर उधर देखने लगे। 1 घंटे बीते तो परेशान हो गए, 1.5 घंटे बीते तो और बहुत परेशान हो रही, ये तो बड़ा मुश्किल है, राम 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 कहते एक जगह बैठ करके करते रहना, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कुछ लोग बस उठने लग गए, 8-10 लोग बैठे थे तो पीछे से 1-2 लोग उठने लग गए, 2 घंटा बीते तो परेशान हो गए, उठ गए कि चल दे नहीं भैया हमसे नहीं होगा, और दूसरी और एक दूसरे को देखने लगे था तो उनका भी साहस टूटने लगे, धीरे धीरे उठ उठ करके वो पीछे से चले गया, बच गए 1-2 लोग, वो लोग भी मुड़ करके देखता, अरे हमारे साथी कहाँ गायब हो गए। तो मतलब कुल मिलाकर के वो 3 घंटे भी नहीं बैठ पाए, और महाराज जी के पास कहा महाराज जी ये हमसे नहीं होगा। तो महाराज ने कहा क्या हुआ, आप लोगों को वही मजदूरी मिलना था, और ये केवल यही तो कहना था, यही तो हमारे लिए मुश्किल है, भले आप हमको मेहनत कड़ी मेहनत कराई पसीना निकालने वाली बात, लेकिन बैठ करके राम राम कहने वाली हमारी ये आदत तो है नहीं, ये बहुत कठिनाई लग रही है ना। तो ये जो अभ्यास पर निर्भर करता है, हम उसके लिए और ध्यान ही नहीं दिए हैं तो मुश्किल लग रहा है, और जो ध्यान देते हैं उसके लिए तो आप घंटों बैठा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो असली काम है, सुख शांति हम जो चाह रहे हैं, वो कहां से मिलेगा, इससे मिलेगा। उससे तो व्यवहार का काम निपटेगा, जो हम मेहनत कर रहे हैं पुरुषार्थ व्यवहार, लेकिन परमार्थ का काम उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, मन की शांति के लिए भजन साधन स्वाध्याय इन सब का आश्रय लेना पड़ेगा। सदगुरु संत हम सबको यही सीख देते हैं कि मात्र पूजा से, मंदिर में जाने से, तीर्थ में जाने से, नदी में स्नान करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो सही मार्गदर्शक होते हैं, सही संत होते हैं, असली संत होते हैं,
जो स्पष्ट रूप से ये बता देते हैं, लेकिन जो भटकाने वाले होते हैं तो बस वही घूम घूम भूल भुलैया में डाले रहते हैं। बस ये कर दो, बस हमारी तरफ से पूजा है, आपका कल्याण है, सब कुछ है, ये भ्रम में डाले रहते हैं। तो हम सबको ये चेतना हम में आनी चाहिए, ये परख होनी चाहिए, तभी हम सही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन दुख से हम छूट नहीं सकते, क्योंकि दुख का काम ही करते हैं। दुख का काम कैसे करते हैं? मन में किसी के प्रति मन में क्या करते हैं? मोह बढ़ा लेते हैं। अब मोह और ममता जब बढ़ी, तब उसके दुखी सुखी होने से आदमी भी परेशान रहता है। तो चाहते तो हम सुख हैं, लेकिन दुख से हम छूट नहीं सकते। तो इस बात पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, परख करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और ये आत्मचिंतन हम सबको भजन करने से मिलेगा, सेवा करने से मिलेगा, स्वाध्याय करने से मिलेगा, संतों से जुड़ने से मिलेगा, भक्ति के मार्ग में चलने से मिलेगा। और इसके लिए हम पीछे रह जाते हैं। होना क्या चाहिए? दोनों का काम हो, व्यवहार का काम हो और परमार्थ काम हो, तभी हमारी जो जीवन नैया है वो शांति से चल पाएगी।